दो का दो T10 मुकाबला कवर किया था मल्टा का, दोनों को दोनों बढ़िया गया। और आज का मुकाबला जो सारे प्लेयर का एक एक करके डिटेल में देखेंगे और जानेंगे कौन होगा कैप्टन, वीजी का बढ़िया चॉइस और जीएल में कौन सी टीम वर्क करने वाली है। कल हमने मल्टा T10 का फर्स्ट मुकाबला कवर किया, यहाँ पर देख सकते हो 196 में 160 विन, यानी कि 70 से 75% आसानी से हमारे यूजर्स ने प्रॉफिट कमाया। तो दोस्तों फर्स्ट T10 के बाद सेकेंड T10 मुकाबला भी हमने कवर किया और वो भी ठीक ठाक गया, यहाँ पर देख सकते हो, लेकिन क्लेश बहुत अधिक हुआ। तो मेरे भाई लास्ट सीजन भी T10 बढ़िया गया, सिलेक्टेड मैच मैं कवर करता हूँ। तो आज बात करेंगे RST वर्सेस MAR के बीच एक फुल डिटेल के साथ। तो मेरे भाई अगर यदि आप इस मुकाबले को हमारे साथ खेलना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को आपको ज्वाइन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वहां पर मिलेगा आपको फाइनल टीम जिस टीम से मैं खुद खेलता हूं, इनके अलावा जीएल का टीम, पिच रिपोर्ट, प्लेइंग 11, यानी कि बेहतर से बेहतर शानदार से शानदार टीम बनाने के लिए जितने चीज़ों की आवश्यकता होती है सारा कुछ टेलीग्राम चैनल पे ही प्रोवाइड करता हूं। तो आपको ज्वाइन करना किस प्रकार है? जी हाँ मेरे भाई, हमारा टेलीग्राम चैनल आपको इस प्रकार से दिखाई देगा, 56.6K सब्सक्राइबर के आसपास। यहीं पे आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक या फिर वीडियो के फर्स्ट कमेंट में जो लिंक है उनकी सहायता से जुड़ोगे, ये ओरिजिनल चैनल पे चले आओगे, बिल्कुल फ्री का फायदा आप उठा सकते हो। तो मेरे भाई चलिए यहाँ पर देखते हैं फुल डिटेल पे ECS मल्टा T10 2023 रॉयल स्ट्राइकर्स वर्सेस मार्सा के बीच यहाँ पर खेला जाएगा। डेट आज यानी 7 नवंबर, टाइमिंग की बात की जाए तो 1 बजे दोपहर में खेला जाएगा। वेंट्यू मल्टा का ही मार्सा स्पोर्ट्स क्लब है। तो पिच रिपोर्ट देखा जाए, देखो पिच रिपोर्ट एकदम बैलेंस रहेगा, देखा जाए तो गेंदबाज बल्लेबाज सबको मिलता है, क्योंकि देखो यहाँ पर पिच क्या बिहेव करता है, वो एक चटाई की तरह जो होता है वो उनको बिछा कर खेला जाता है। तो यहाँ पर ऐसा नहीं कि टर्न वगैरह वो कुछ नहीं, वहाँ पर अच्छे गेंदबाज जो है उछाल भरी गेंदे डालता है तो उछाल होगा, स्पिन है तो स्पिन होगा, जो भी मतलब कि सबके लिए बढ़िया, लेकिन बल्लेबाजी करना इजी होता है थोड़ा सा अगर यदि आप अच्छे बल्लेबाज हो। बाउंड्री को थोड़ा छोटा किया गया है। बात करेंगे रॉयल स्ट्राइकर्स के बल्लेबाज के तरफ से, तो यहाँ पर देख सकते हो श्री सुदर्शनन की बात की जाए T10 2023 में 20 मुकाबला खेला, 210 रन बनाए, 26 के एवरेज से 1 ओवर भी डाला है। अश्विन राजू 21 मैच प्लस 169 रन बनाए, 9 के एवरेज से 2 विकेटें भी ले गए। T10 2023 में इन्होंने 12 मैच खेला, 126 रन, 10 के एवरेज से 2 विकेटें भी ले गए। श्री सिंह की बात की जाए अपने क्रिकेट करियर, T10 2023 में 16 मैच खेला जहां पर 192 रन, 13 का एवरेज प्लस 2 विकेटें, खास प्लेयर का एवरेज नहीं है यहां पर देखोगे तो। एस थॉमस की बात की जाए T10 जो खेला 32 मैच टोटल, 164 रन, 7 का एवरेज है प्लस 17 विकेट है, तो पार्ट टाइम गेंदबाजी मान सकते हो, लेकिन 2023 में इन्होंने 15 मैच में 15 विकेटें ले गए, तो ये फुल टाइम यहाँ से गेंदबाजी में तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा। पी पुष्पा राजन की बात की जाए, ये ठीक ठाक बल्लेबाज है भाई, कैप्टन वाइस दे सकते हो, लास्ट सीजन अच्छा किया था। 2023 में इन्होंने 20 मैच खेले जहां पर 633 रन, 42 के एवरेज प्लस 17 विकेटें, इंपॉर्टेंट रहेगा वो भी 37 ओवर डालकर। एम अगस्टिन की बात की जाए तो 21 मैच यहां पर खेला, 68 रन, 5 का एवरेज है। T10 2023 में 13 मैच में 26 रन, 3 का एवरेज, यानी T10 जो है 2023 भी इनका खराब ही गया। टी ताहिर की बात की जाए 14 मैच 32 रन, 5 का एवरेज खास नहीं है। इनके अलावा अनिल की बात का, ये ठीक ठाक प्लेयर है, 15 मैच में 212 रन, 23 का एवरेज प्लस 13 विकेटें, यानी 2 ओवर भी डालना चाहिए, 30 ओवर कन्फर्म डाला था, 2 ओवर भी डालेगा, साथ में बल्लेबाजी मिडिल पे करेगा, तो इंपॉर्टेंट होना चाहिए। जे जेरोम की बात की जाए, इन्होंने 21 मैच T10 में खेले जहाँ पर 20 विकेटें, 2 ओवर ये भी कन्फर्म डालता है मेरे भाई, और अच्छे कैटेगरी के यह गेंदबाज है। 2023 में 11 मैच 16 विकेटें, यानी कमाल की गेंदबाजी इन्होंने लगभग की। आर जेम्स की बात की जाए T10 2021 का, 17 में 24 रन, 10 विकेटें, यानी एक गेंदबाज के रूप में खेलेगा, पिटाई पड़ने पे एक ही ओवर ये डालेगा, यानी 17 मैच में 34 ओवर होना चाहिए लेकिन 25 ओवर इन्होंने डाला, तो कई मैच में इनका ओवर कट भी गया। जे जॉनी की बात के 6 मैच में 4 विकेटें इनका T10 2023 में, तो ये भी एक इम्पोर्टेंट माना जाएगा, 2 ओवर करेगा। कितने गेंदबाज खेलता है, बैटिंग लाइनअप क्या आएगा, सारा कुछ टेलीग्राम पे शेयर करता हूँ, वहाँ पर जुड़े रहना बहुत ज़्यादा जरूरी है। बेंच में देख सकते हो अर्जुन जोएस की बात की जाए 5 मैच 10 रन, खास रिकॉर्ड नहीं। सी पॉल भी देखोगे 14 मैच में 5 विकेटें, पार्ट टाइम गेंदबाजी, और 2023
के T10 में इन्होंने 2 में 1 विकेट ले गए। के कोपाक्का की बात की जाए, यहाँ पर T10 31 खेले, 270 रन बनाए, 10 का एवरेज, 13 विकेट, यानी उतना खास तो नज़र नहीं आ रहा। लेकिन 2023 में इन्होंने क्या किया, 14 में से 5 विकेट ले गए 11 ओवर डालकर, यानी पार्ट टाइम गेंदबाजी। एस थॉमस यहाँ पर देख सकते हो 16 मैच में 94 रन प्लस 7 विकेट, 2023 के T10 में इन्होंने 5 मैच में 3 विकेट ले गए। जमशेद की बात की जाए, 12 मैच 1 विकेट, खास रिकॉर्ड नहीं है। एस सुरेश 8 मैच 3 रन, बिल्कुल भी सही नहीं है, भी बाबू का रिकॉर्ड मिला नहीं। बाकी ये लोग खेलने के चांस भी कम है, खेलेगा टेलीग्राम चैनल में उनका रिकॉर्ड वगैरह सारा कुछ शेयर कर देंगे। इन सभी प्लेयर का स्क्वाड बड़ा है, इनसे आपको टेंशन की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, आपका भाई यानी कि मैं हूँ ना। अब मरसा की बात की जाए तो एफ मस्जिद की बात की जाए, 1 कम 80 मैच T10 में खेले, 1324 रन है, 27 का एवरेज, 48 विकेट, इम्पोर्टेंट प्लेयर रहेगा और अनुभव की भी कोई कमी नहीं है। लेकिन 2023 में इन्होंने क्या किया, 30 मैच खेला, 552 रन, 29 का एवरेज, प्लस 19 विकेट, 47 ओवर डालकर, तो ये इम्पोर्टेंट होना चाहिए। नीरज खन्ना की बात की, भैया ये कमाल का बल्लेबाज है और ये अच्छा खासा लास्ट सीजन भी किया था, 59 मैच में 797 रन, 22 का एवरेज है, 22 का एवरेज बुरा नहीं, 20 प्लस का एवरेज T10 में ठीक ठाक माना जाता है, 7 में 27 ओवर डालकर 13 विकेट, यानी गेंदबाजी थोड़ा कम करवाता है। T10 2023 में 18 मैच में 271 रन, 22 का एवरेज, 7 में 4 विकेट, 6 ओवर डालकर। एन कोशाला की बात के 57 मैच में यहाँ पर देखोगे 894 रन, 22 का एवरेज, प्लस 7 विकेट, 11 ओवर डालकर, पार्ट टाइम गेंदबाज है, बल्लेबाज फुल टाइम है। लेकिन T10 में इन्होंने 16 मैच में 288 रन बनाए, 32 का एवरेज से 3 ओवर भी डाला है। इस मुगल यहाँ पर देखोगे 53 में 435 रन, 20 का एवरेज, 22 विकेट भी ले गए 33 ओवर डालकर। 2023 में 13 मैच में इन्होंने 129 रन, साथ ही साथ 7 विकेट, 8 ओवर डालकर, यानी ये भी पार्ट टाइम गेंदबाजी कर रहा है। एम सुलेमान की बात के 37 मैच 188 रन, बिल्कुल भी बढ़िया नहीं, और T10 2023 में भी खास रिकॉर्ड नहीं। ए हसन की बात किया, 13 मैच 49 रन, 8 विकेट, 9 ओवर डालकर, और 2023 में देखा जाए इन्होंने T10 में 3 मैच में 1 विकेट ले, 1 मैच में इन्होंने 2 ओवर की गेंदबाजी की। फैजल बिन मोसरे की बात की जाए, 18 मैच 56 रन, 18 का एवरेज, 13 विकेट, यानी 32 ओवर डालकर, यानी 2 ओवर ये करना चाहिए। 2023 में 10 मैच में इन्होंने 8 विकेट, 18 ओवर डालकर और 28 का एवरेज है, तो 2023 का T10 इनके लिए ठीक ठाक रहा। जे गरिमा की बात की जाए, 42 मैच में 1 रन, इनके अलावा 2023 में 11 मैच 1 रन, यानी कि सिर्फ ये खेलता नहीं है, ये सिर्फ सांस लेने और छोड़ने के लिए ये आता है पिच पे। इस बासिर की बात की जाए, 3 मैच में 3 विकेट ले गए, ये बढ़िया है। इप मसी की बात की जाए, 36 मैच में 27 विकेट, 56 ओवर डालकर, इम्पोर्टेंट प्लेयर रहेगा। लेकिन 2023 में क्या किया, 12 मैच में 6 विकेटें ले गया, 18 ओवर डाला, 6 मैच में इनका देखा जाए तो 18 ओवर डाला, यानी कि 6 मैच में 1-1 ओवर भी डाला होगा, ये बात याद रखना। डी अटावल की बात का, 29 मैच में 15 विकेटें, 30 ओवर डालकर 1-1 ओवर डाल रहा है, और 2023 का T10 में 6 मैच में 3 विकेटें, 9 ओवर डालकर, तो ये भी इम्पोर्टेंट रहेगा। बेंच का प्लेयर कोई भी खेलेगा, यहाँ से देख सकते हो। एन मेहर की बात की जाए, 30 मैच 173 रन, 13 का एवरेज, 4 विकेट। एल थॉमस 11 में 7 रन, बापरे बाप बहुत रन बनाया है भाई। दीप पटेल की बात की जाए, 10 मैच में 9 रन, 4 विकेट है, 7 ओवर डालकर, पार्ट टाइम गेंदबाज है। एस सरकार, भाई सरकार साहब यहां पर 12 मैच में 8 का एवरेज, 11 विकेट, यानी 22 ओवर डालकर, यानी 2 ओवर ये करना चाहिए। के कशु मूरी की बात क्या, इनका खेलने के भी चांस कम है, खेलेगा तो आपका भाई टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर देगा। ए अहमद 2 मैच 3 विकेट यहाँ से ले गए। ए अरसाद की बात क्या, 27 मैच में 39 रन, 14 विकेट, 41 ओवर डालकर, यानी 1 ओवर तो अपेक्षा कर ही सकते हो। लेकिन 2023 में क्या किया, 16 मैच 4 विकेट, 24 ओवर डालकर, यानी कि पार्ट टाइम गेंदबाजी फुल टाइम गेंदबाजी भी करता है, वो निर्भर करेगा कितने गेंदबाज खेलता है। भी पकाला पति की बात की है, 14 मैच में 9 विकेट, 25 ओवर डालकर, गेंदबाज बढ़िया है। 2023 में 5 मैच में 10 ओवर डाला, 4 विकेट, यानी 2 ओवर ये कन्फर्म डालता है। वकास खान 11 मैच 11 रन, 5 विकेट, 11 ओवर डालकर, 1-1 ओवर ये डालेगा। पी वैद्या की बात की है, T10 जो है ये 6 मैच 3 रन और 4 विकेट, तो
खेलने के भी इन लोगों के चांस कम है। तो भाई हम लोगों ने डिटेल में सारे प्लेयर का रिकॉर्ड देखा, अब चलिए वो एक डेमो कॉम्बिनेशन क्या बन रहा है, फाइनल टीम तो टेलीग्राम पे आएगी ना, तो मेरे भाई कॉम्बिनेशन देखेंगे। लेकिन इससे पहले अगर यदि हमारे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हो तो जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ड्रीम इलेवन से रिलेटेड कोई भी अपडेट आता है मैं सबसे पहले इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। इनके अलावे कुछ जानकारी लेना हो इंस्टा पे मैसेज करो, मैं वहाँ पर सारे लोग का रिप्लाई देता हूँ, वो भी बेहतर तरीका से। तो एम ए आर का प्लेयर देखोगे, एच मुगल इम्पोर्टेंट रहेगा, एफ मस्जिद रहेगा, एफ विन मोर से यहाँ से रहेगा, बाकी यहाँ से किसी अन्य के ऊपर एफ महसिन की बात करें, देखो इनका रिकॉर्ड काफ़ी बढ़िया था, दो ओवर डालना चाहिए। डी अटवाल, ए अरसाद, ये दोनों इम्पोर्टेंट रहेगा। यहाँ से देखोगे बल्लेबाजी में एन खन्ना इम्पोर्टेंट रहेगा, इनको शाला इम्पोर्टेंट रहेगा, ये दो जो है ना इंटरनेशनल लेवल टाइप का ये प्लेयर माना जाता है। बाकी यहाँ से आप इनको पिक कर लो, ए अरसाद को। अब यहाँ पर सामने वाली टीम की तरफ से देखोगे तो यहाँ पर जे जोरे में यहाँ से इम्पोर्टेंट रहेगा, आर जेम्स भी बुरा ऑप्शन नहीं है, बढ़िया च्वाइस है। पी पुष्पा राजन दोनों चीज़ करने की क्षमता रखता है, हालांकि फॉर्म उतना खास इनका नहीं चल रहा है। यहाँ से देखोगे सी सुदर्शनन को ही यहाँ से पिक करना चाहिए, वैसे विकेट कीपरी में किन्हीं का ज़्यादा खास रिकॉर्ड है नहीं। सी सिंह का हम लोगों ने देखा खास मुझे तो इनका रिकॉर्ड लगा नहीं, चाहो तो आप ट्राई कर सकते हो। बाकी यहाँ से देखोगे ऑलराउंडर सेक्शन पे तो सी पॉल भी बढ़िया ऑप्शन है, इनके अलावा जे थॉमस, तो यहाँ से सी पॉल के साथ हम लोग जाने वाले हैं। कैप्टन वी सी देखा जाए, एस मुगल को यहाँ से कैप्टन से वी सी, एफ मस्जिद को दे रहा हूँ फिलहाल के लिए सेफ जा रहा हूँ। लाइनअप के बाद जो वो चेंज होगा बैटिंग लाइनअप, इनके अलावा कौन सा प्लेयर कितने खेल रहे हैं, कौन कितना ओवर डाल सकता है, अगर यदि ज़्यादा गेंदबाज खेलेगा तो उनके अनुसार देखना होगा, यानी लाइनअप के बाद ही आप एक बेस्ट टीम बना सकते हो। तो मेरे भाई फिलहाल के लिए टीम सेव करके रख लो, लेकिन हाँ एक चीज़ मैं बता दूँ, एक इम्पोर्टेंट चीज़, आज जो है पाकिस्तान ODD डोमेस्टिक बिना लाइनअप वाले मैच जो है वो मैच देखो, अगर यदि मैं कवर कर पाया तो सीधे 40 सेकेंड पहले वो लिंक जो होता है, मैं जो एक वीडियो बनाया हूँ वो लिंक के जरिए आपको टीम मिल जाएगा, और नहीं तो गर्ल ड्रीम टीम जो है रियाजी वो शायद देने वाला है टीम पाकिस्तान ODD का, तो उनके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके रखना, वो देने के चांस है। मेरा आना ना आना काफ़ी मुश्किल सा नज़र आ रहा है, लेकिन गर्ल्स ड्रीम टीम वो शायद पाकिस्तान फर्स्ट मुकाबला अल्ट्रा करवाई थी, हो सके इस मुकाबला को वो कवर करे तो आप लोग अपने अनुसार देख लेना। धन्यवाद मेरे भाई, लक्ष्मी माँ विसरी माँ ओल भगवान की कृपा से यही दुआ हम लोग करेंगे कि हम लोगों का रिजल्ट बेहतर जाए, भगवान लक थोड़ा बहुत साथ दे रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा दे। आप भी भगवान से दुआ करो, मैं भी दुआ करूँ कि हम लोग जमकर प्रॉफिट कमाएं।